نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم اللغوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب فضل الصوم روال إمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنات بعشر أمثالها बुखारी ने किताब सोम में ये दूसरा बाब कायम किया है फजीलत इस पर इसका जो पहला बाब है किताब सौम में वो है बाब वजूब सोम रमदान माह रमदान मुबारक के रोज़ों के वाजिब किए जाने एक बार फर्जीत पर और वजूब पर पहला बाब है ये मुझे ख़याल गुजरता है कि पहले बाप की पहली हदीस हमने पहले बयान कर दी थी पिछली नशस्तों में इसलिए दूसरी हदीस मैंने यहाँ से मुंतखब की है आज के लिए अबू हुरैरा रजी रिवायत करते हैं कि आका असलाम ने शाद फरमाया रोज़े अस्याम जुन्ना है यानी ये ढाल है गुनाहों से भी की के लिए भी डाल है और अल्लाह के अजाब जहनम के अजाब के लिए भी डाल है बंदे को बचाती है अल्लाह के अजाब से भी और इरतकब मासी गुनाहों के इरतक से भी फिर आकल असलात ने अदब बताया कि अगर तुम में से कोई रोज़े के साथ हो तो वो फोश कलामी ना करे गाली गलोच ना दे बुरी बातें ना करे वला या जहल और ना जाहलों वाले काम करें इन इस तरह की हरकत, सकनात और अमाल अफाल न करे जिससे रोज़े की ना कदरी हो और ये पता चले कि ये जाहिल है इसे रोज़े की कदर व मंजिलत का पता नहीं है तो गोया ना फ़ोश कलामी करे ना रोज़े की ना कदरी करे अपने जाहिलाना कामों से यानी आपने देखा कि रोज़ा अब हो गया सिर्फ खाने पीने और बाज़ और ख़ास अमूर से परहेज ही नहीं बल्कि बुरी कलाम से और बुरे सलूक से भी परहेज़ है बुरे रवैये से और बुरी गुफ्तु से भी परहेज़ है रुक जाना तो ज़ाहिर का भी रोज़ा हो गया और आदाब का भी अखलाक का भी रोज़ा हो गया फिर शायद फरमाया अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे हती कि उसे गाली गलोच दे तो वो उसको दो मरतबा कहनी सामन मैं आपको जवाब नहीं दे सकता मैं रोज़े से हूँ इसका मतलब ये है कि जब नफ्स भी रोज़े का हिस्सा हो गया ना। ना। <cuasure> कोई गाली देता है बुरा भला कहता है झगड़ता है आप उसको जवाब भी नहीं दे सकते सिर्फ इतना कहना है कि मैं रोज़े से हूँ यानी रोज़ा मुझे गाली का जवाब देने की भी इजाज़त नहीं देता ग़ुस्से के जवाब में गुस्सा करने की भी इजाज़त नहीं देता झगड़े के जवाब में झगड़ने की भी इजाज़त नहीं देता यानी मुकम्मल जब हुस्न अदब जब्त अदब गुफ्तु जब्त कलाम यानी अदब कलम ज़ब गज़ब नफ्स ज़बत अहवाल, ज़बत अमाल ये सारी चीज़ें खाने पीने की परहेज़ों के साथ मिलती हैं तो रोज़ा बनता है और फिर आपने फ़रमाया अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि रोज़ेदार जब भूख और प्यास की वजह से उसके मुंह से अगर कोई ख़ास किस्म की स्मेल आए तो अल्लाह हरबुल्ज़त को वो मस्क यानी कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा महबूब और ज़्यादा अजीज़ है कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अजीज़ है और फिर इशाद़ फरमाई पांचवी चीज़ फरमाया कि रोज़ेदार कौन है या को रुको तो आम हो व शराब हो व शराबत वह अपनी शहवात नफसानी को अपनी ख्वाहिशा को अपने खाने को पीने को सब कुछ मेरी खातिर छोड़ देता है अब अल्लाह हरबुलज़त ने उस रोज़े की कदरदानी समझाई मेरी खातिर छोड़ देता है हालाँकि हर इबादत बंदा अल्लाह के लिए करता अल्लाह के लिए करता है मगर रोज़े के लिए अल्लाह रब खुद फरमाते कि उसने सब कुछ मेरी खातिर छोड़ दिया है और फिर छठी बात फरमाई ओली व अना अजी बही सो अल्लाह इजत ने फरमाया रोजे महज मेरे लिए हैं रोजे की इबादत मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा और सातवीं चीज इस हदीस पाक में फरमाई वल हासाना तो बेशर और जान लो जितनी नेकिया तुम करते हो हर नेकी का अजर दस गुना मिलता है अब हर नेकी का अजर दस गुना मिलता है ये जो जुमला है इसका और इससे कब्र जो फरमाया अस्याम ओली व अनाजी बी इसका क्या तर? कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा जबकि शायद फरमाया हर नेकी की जजा दस गुना है तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़े को छोड़कर हर नेकी और हर इबादत का अजर दस गुना है कम से कम अजर दस गुना है लेकिन जहाँ तक रोजे का ताल्लुक है इसका अजर मैं मुतन नहीं करता अनलिमिटेड है इसको किसी पैमाने पर नहीं नापता ये मेरे लिए है और मुझ पर छोड़ दो मेरी मर्जी में रोजेदार को कितनी जजा दूंगा तो गल्ला रबत ने फरमाया जब हर नेकी के ऊपर अजर दस गुना मुकर्र है तो रोजा जिसका अजर मुकर्र नहीं किया और मैंने अपने क्रम पर छोड़ दिया अंदाज़ा कर लो कि उसके अजर का आलम क्या होगा न उसकी मकदार मुकर की ना हद मुकर सो so ये अनलिमिटेड है तो so रोज़े की इबादत में इतनी बड़ी अज़ीम बरकत है जो अल्लाह तबारक वाली ने इसके बाद श्याम में से औरो ले लेते हैं और वो ईमान अफरोज अजीज़ है एक दिलचस्प वाक़ है और बाप नंबर है तीस थर्टी बाबन एजा जामा आफी रमदान वलम यकुल लहूशन फत सद <स्थिण> अबू अल फ़ल युकफ़िर अबू हुरैरा रजील्ला तवायत तो करते हैं किताब में और इमाम बुखारी इसके अलावा भी और जगहों पर रिवायत किया इर्शात फरमाया कि हम बैठे हुए थे आकाम आका तो की मजलिस में एक शख़्स आया और उसने आके अर्ज़ किया यारसुल्ल हलक तो आका में हलाक हो गया काला माल का क्या हुआ है तुम्हें काला वक़ा तो अलमराती व अनासाय मैं वो काम कर बैठा हूँ जो रोज़े में मना है मैं रोज़ेदार था तो मैंने रोज़ा तोड़ दिया है फाल रसूल सल्लम हल तज वाकबा तन तो अब तो कफ़ारा होगा तो सलाम ने पूछा तुम्हारे पास कोई गुलाम या बांदी है जिसको इस रोज़ा तोड़ने के कफ़ारे में आज़ाद कर दो कला फिर आकर सलाम ने पूछा फल तस्तती व अनतसुम मशा मुताब आइन क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत यानी इस्तात है कि साठ रोज़े मुसलसल दो महीनों के मुसल रोज़े रखो ये फिर दूसरा कफ़ारा है अगर ग़ुलाम जबधी आज़ाद करने के लिए नहीं है तो फिर साठ रोज़े मुसलसल रखो कफ़ारा अदा करो फ़ाल उसने कहा इसकी ताकत भी नहीं है मुझसे इशारा इस अबर की तरफ था कि एक रोज़ा तोड़ बैठा हूँ उसमें सब्र नहीं कर सका तो साठ रोज़े मुसलसल कहाँ रखूँगा फ़ाल फहल ताजद इत आम सित्ती न मस्किन फिर कफारे की तीसरी शक्ल है और आखिरी कि साठ लोगों को मस्किनों को खाना खिलाओ क्या इतना कुछ है कि साठ मस्किनों को खाना खिला सके खाला ला उसने कहा वो भी नहीं है यार को आंदन नबी आकर आकाम खामोश हो गए और वो भी आकर आकम के पास बैठ गया उसी मजलिस में थोड़ी देर हमारे होते हुए कोई शख्स खजूरों का एक थैला लेके आ गया उसने आकर आकल की बारगाह में थैला पेश कर दिया आपने पूछा वो साइल कहाँ है जो रोज़ा तोड़ के आया था आवाज़ दी ऐ न साहल फ़काल आना यार मैं मौजूद हूँ फ़काल खुजहा फ्दक बेही अब यह थैला खजूरों का मैं देता हूँ ले जाओ और मदीने में गरीबों मिसकिनों में तकसीम कर दो कफारा के तौर तो पर जाओ इसको तकसीम कर दो अब आगे वो कहता है <laughs> फ़कअ रजुल या रसूल क्या इस मदीने में मुझसे और मेरे घर वालों से भी कोई ज्यादा गरीब है कि मैं उन लोगों को जाके तकसीम करूँ <laughs> सुबह अल्लाह यानी हमसे बढ़ कर भी कोई गरीब है कि मैं और लोगों को जाके तकसीम करूं और अगली हदीस में इसके अगली हदीस के अल्फाज हैं अला अहवज मन्ना मा बीना लाबत्या अहलोबैतन अहवज मन्ना हमसे ज़्यादा ही कोई नहीं है पूरे मदीने में यारसोल्ला इन पहाड़ियों के दरमियान जो आदि है उसमें तो मैं किन को तकसीम करूँ फ्ला मा बैन लाबतहा यीदुलहर्रत अहलोबैतन अफ करो मिन अहल बैती हमारे घर वालों से ज़्यादा कोई गरीब नहीं है मोहताज तो आगे जो अल्फाज हैं सुबहानल्ला फ़दाकन नबी पड़े आप मुस्करा पड़े हता बदत अनिया बहू तो आपके दांत मुबारक नजर आने लगे इतना यानी आप मुस्कराये तबसम रेज हुए तबसम फरमाया कि खुश होकर कि ये देखो अजीब आदमी है हंसने का अजीब आदमी है रोज़ा तोड़ के आया है और उसके बाद तीन कफारों में से कोई कफारा अदा करने की ताकत नहीं खजूरें अपनी तरफ से दे रहा हूं कि जाओ मिसकिनों को खिलाओ कफारा हो जाए वो कहता है कि वो भी हमसे पढ़ के गरीब नहीं तो आकर हंस पड़े तो फिर आपने qala, जाओ, खुद खा लो और अपने घर वालों को ही खिला लो जिनसे मिलकर रोजा तोड़ा है उन्हीं को ही खिला लो कफारा अदा हो जाएगा यजीश इमाम बुखारी दस मर्त वाला है सुबह मुख्तलिफ पहलु इसमें से निकाल निकाल के दस मरतबा लाए मैंने कहा इमाम बुखारी बड़े क़ वाले इमाम हैं अहकाम तो अखज़ करते हैं मसायल अखज़ करते हैं आदाब अखज करते हैं मगर पलट पलट कर उसदी से जैसे अखज़ करते हैं उससे उनका ईश्की और ब भी नज़र आता है और क़ इलमी और क़ फ़िकी हर पहलु पर रोशनी पड़ती है यानी इशारा इस अमर की तरफ कि देखी कि आकाल असलात वाम हंसे क्यों हंसे इस वजह से जब इसकी शुरू में जाते हैं तो मुहदसिन ने लिखा है कि लगभग साठ किलो के लगभग करीब वज़न का वो खजूरों का थैला था बहुत बड़ा एक बोरी थी बोरी खजूरों की साठ किलो के करीब वज़न होगा तो आका सलाम ने फरमाया कि रोज़ा भी तोड़ के आया है और साठ किलो खजूरें भी मुझसे ले जा रहा है और खाना भी खुद ही चाहता है और अपने बच्चों को खिला के चाहता है गफ्वारा भी हो जाए अब उसका एतिकाद भी देखें कि जिस बारगाह में आए हैं यहाँ कोई कमी नहीं है तो डटा भी रहा और सच भी बोलता रहा कि इस्तात नहीं क्यों झूठ बोल के जाऊँ कल को फिर न कर सकूँ और आकल इस्लाम का कर्म भी देखें कि नाराज़ भी नहीं होते सब चीज़ों का इनकार हो गया बिठा लिया अपने पास दिया और वो भी कहा कि खुद खाना चाहता हूँ कि मुझसे बढ़ के ग़रीबी कोई नहीं मुस्करा के अता भी कर दिया यह आकल इस्लाम का हसन खुल्क भी है जूद व सखा भी है करम भी है और शफकत व इनायत भी है अब किताब उसम हो गया मैं इन्हें थोड़ी थोड़ी इसलिए ली कि आपको याद होगा पिछली अब तक जो अठतीस उनतालीस नशितें हो चुकी कई नशिस्तों में मुख्तलफ़ अबाब हम पढ़ तो रहे थे किताबलब्बुलवाही फिर पढ़ रहे थे किताब ईमान फिर पढ़ रहे थे इल्म और बाद हजा किताबल अदब को तेज़ी के साथ पढ़ा मगर किताब इईमान किताबालम के दौरान हमने बुखारी शरीफ के बहुत सारी कुतुब और अबवाब की अदीस तोसीक़ में तोज़ी में और तफसीली मजमून के तौर पर साथ ही साथ बयान करते रहें पढ़ते रहें बहुत सारा हिस्सा लेते रहें तो आज जो मैंने अलग एहतमाम के साथ कुछ बुतब को और अब को और ले लिया फिर आप किताबुल हज को ले रहे हैं किताबुल हज में जो बाब ले रहा हूँ फदलुल मबरूर जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होता उसकी फजीलत क्या है ये बाब नंबर चार है किताबल हज का चैप्टर फोर है इससे पहले बेहतर है हज से पहले मैं चूंकि किताब को मुकम्मल किया है मुख्तसर है किताब ज़कवात को ले लूँ किताबूत के बाद में हदीस पहले ले चुके हैं इसमें थोड़ी ज़्यादा आएंगी किताब हज में तो किताब व ज़कूत की ले लेता हूँ चूंकि इसमें से हम पहले हदीस बयान भी कर चुके हुए हैं किताब व ज़क़़्त बाबूब इस ज़कूत है कि ज़क़त का वाजिब और फ़र्ज होना उसकी फ़र्जियत के बाद में जो हदीस लाए हैं पहली अब्दुल्ला अबन अब्बास रजी अल्ल् तैन से मरवी है अन नबी अबासाआजन रज़ील्ल्ला तमन आक्लाम हजरत मुआबन जबल को यमन में मुकर फ़रमाया वहाँ का जज बना के जब भेजा फ़कालत इला शहादत अल्लाह व अन्य रसूल्ला तो उन्हें हुक्म फ़रमाया कि सबसे पहले जा उन लोगों को दावत देना तोहिद रसालत की शहादत की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ फिन हम अगर वो तोहद और इसत पर ईमान ले आए और इसकी इतात इख्तियार करें फिल्म तो तब उनको अगली बात समझाना और सिखाना कि अल्लाह पाक ने हर रोज के लिए पांच नमाजें उन पर फर्ज की फिर फरमाया फम अताउलिक फिर जब वो इसकी इतात अख्तियार कर लें कबूल कर लें इस पर अमल शुरू कर लें तो फिर अगला स्टेप उठाना इसमें तालीम तबलीग और तरबियत के लिए तदरीज का तदर्रुज का स्टेप वाइज ग्रेजुअली लोगों को तालीम और तरबियत करने का उसूल बयान फरमाया कि सारा कुछ उठा के यकल ना दे दो वो कुछ भी नाल कर सकें जैसे कुरान तेईस बरस में उतरा है अल्लाह की ज़ात चाहती तो सारा कुरान एक ही मरतबा नाजिल फ़रमा देती मगर किसी के लिए न समझना मुमकिन रहता न अमल करना मुमकिन रहता ग्रेजुलली उतरता रहा जितनी ज़रूरत हुई उतरता रहा उन पर पुख्ता कर दिया उन अमाल पर फिर अगले आकाम उतर आए उस पे आदत रासिक हो गई फिर अगले आकाम उतर आए उसके ऊपर तबीयतें मानूस हो गई फिर अगले अकाम उतर आए तो यानी तमाम इस्लाम की तलीमत और तरबियत और उसका नफाज और उसकी तरवीज सब अल्लाह रबु लज़त ने और तनफीज़ तदरीजन की है ग्रेजुअली की है यानी बंदों की तबीयत और उनकी सहूलत और उनकी फ़ितरत के जो तकाज़े हैं उनको मलूज रख के किया है इससे सुनत नबवी और सीनत नबवी की खबर मिलती है इस तरह फरमाया, जब वो कबूल कर ले, नमाज़ों पर आ जाए फ हम अन्ला हफ्ता सादा का तनफी अम्बा कि अल्लाह ताली ने उनके ऊपर उनके माल दौलत में सद फ़र्ज़ किया है फ़र्ज़ किया है और वो जक़ात है तो खजो मिन अगनिया व तो रद्द अलाफु कराह वह अमीरों से जो साहेबान इस्तात हैं साहिबान इस निसाब उनसे लिया जाएगा जक़ात का हिस्सा और उन्हीं के फकीरों पर खर्च किया जाएगा ये ज़क़त के लिए अल्लाह हरबुलजत ने हुक्म दिया तो किताब और हज में मैंने अर्ज़ किया कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्ला तुम से मरवी है समय तो अबाह रई रत अब हाज़िम कहते हैं अब रज़ील्ला तमतबी वसम यक़ूल मन हज अल्लाह फ़लम यरफुस वलम यफसुक राजा आम वदा दत हम हूँ जैसे आपने रोज़े के लिए सुना आकल इस्लाम ने फरमाया उसी तरह जिस शख्स ने हज किया और हज मबरूर कैसे होता है यानी हज मकबूल कैसे होता है उसकी फजीलत है बाब में फरमाया जिसने हज किया और हज के दरमियान न कोई फोश कलामी की न कोई गुना का काम किया न फिसक फजूर किया न झगड़ा किया न लड़ाई की न बेसब्री की और न ममनूात में दखल रखा यानी हज किया और पूरे अयाम अल्लाह रबुल्जत की इबादत में जिक्र में तकवा में और उसके मनासे की अदायगी में पूरे अदब के साथ रहा जिस शख्स ने हज इस तरह कर लिया राजा आ क्यों में वाला दत्तु मोहू वो जब पलटेगा हज करके तो इतना पाक हो चुका होगा गुनाहों से जैसे आज ही अपने मां के पेट से पैदा हुआ है आज ही विलादत हुई है अगर फिर याद रख लें ये जो सारे गुनाहों से पाक होगा इशारा इसका हुकूक अल्लाह के लिए है यानी जो अल्लाह के हुकूक उसके जिम्मे वाजिब थे या वो गुनाह किए थे जो अल्लाह की नाफरमानी में आते हैं जिसमें हुकूक उल इबाद नहीं है तो उन सारे गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा रह गए हुबाद उनका पूरा करना उस पर उसी तरह लाजिम रहेगा खास सौ मरतबा हज कर बयान फरमा दिए गुनाहों से पाक होने से मुराद उन गुनाहों से पाक होना जो हकूक उल्लाह के बाद में आते हैं अब इस सदीस के बाद अब अगली उमरा की फजीलत के लिए आते हैं किताबुल उम्रा है ये किताबुल हज थी अब किताब उमरा को लेते हैं पहला बाब है बाब वजूबिलुम्रत वफलहा उम्र का वाजिब किया जाना यानी वाजिब होना और उसकी फजीलत इसमें विमज्जल लिल्लाह सूरा बकरा की आयत नंबर वन नाइनटी सिक्स को मेन्शन करके तर्जमतुलबाब बनाया है अब्दुल्ला अब उमर रजी अल्लाह तन का कॉल लेकर और फिर हदीस जो पहली लाए हैं हजरत अबी हुरैरा रजी अल्ला तु से ونونا فرمايا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرات إلى العمرات كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فرماي جو شخص عمرة كرتاً. اب دكية الله نا دولت ديه وسائل ديه اب سهر وتفريحات جاتينه وبيخير इजाजत है जायज़ बात है ले जाएं मगर वो बाद में रुजू करें सबसे पहले जिसने पैसे खर्च करके बच्चों को कहीं ले जाना है वो मदीना तैयबा में ले जाए वो मक्का मअजमा में ले जाए वह आकाम के अतर की मस्जिद नबी की जियारत कराए, आका की बारगाह में सलाम करवाए काबा शरीफ में ले जाए उम्रा करवाए तो उमरा का सफर हर सफर से सैर व तफरी के सफर से बेहतर है ये ज़ाहरी सैर भी है और बातरी रूहानी सैर भी है रुजू पैदा करो इस तरफ बच्चों को फैमिलीज के साथ आने की तो फरमाया एक उमरा करके जब वो शख्स दूसरा उमरा करता है जब भी करता है सेकेंड उमरा अगर हर साल को उमरे पर जाता है तो इस साल का उम्र और फिर अगले साल का उमरा उसके दरमियान जितने छोटे मोटे गुनाह हुए होंगे वो उमरा से उम्र उन दरमियान के सारे गुनाहों को मिटा देता है इशारा इसका छोटे गुनाहों की तरफ है फिर याद रख ले हुकूक की तरफ है हुकूकुल इबाद का कायदा याद रख लें जब तक उनकी तलाफ़ी न की जाए कम्पनसेट न किया जाए वो बंदा माफ़ ना कर दे या उसके हक़ को अदा ना कर दिया जाए उस वक्त तक हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते जितनी अदीस आती हैं सारे गुनाहों के माफ़ करने में माँ के पेट से पैदा हो जाने की तरह पाक होने के बाद में सारी अदीस का ताल्लुक़ उन गुनाहों से है जो हकूक अल्लाह से रिलेटेड है इबादत से रिलेटेड मामला का मामला अलग होगा तो फरमाया उमरा से उमरा दरमियान के सब गुनाहों को मिटा देता इस तरह नमाजों के लिए भी फरमाया एक नमाज से दूसरी नमाज तक दरमियान के सारे गुनाहों को मिटा देती छोटे गुनाओं को इज तो अगर बड़े गुनाहों से परहेज की जाए तो एक नमाज से अगली नमाज दरमियान के सारे छोटे गुनाहों को सखायर को मिटा देती है मगर शर्त अगर बड़े गुनाहों से परहेज की जाए और फिर फरमाया और अगर हज मबरूर हो जाए तो उसकी कोई और जजाई नहीं है सिवाय जन्नत के अब जब अल्लाह माफ होते हैं हुकूक इबाद माफ नहीं होते तो जन्नत कैसे मिलेगी मतलब यह है कि हज मबरूर का माना यह है कि हज का हया उसकी जिंदगी में आ जाए हज असरअंदाज हो उसकी तबीयत पर उसकी सोच पर वह अपनी ज़िंदगी से जुल्म ख़त्म करे और जिन जिन से जुल्म कर बैठा है उनसे माफ़ी मांगे और तराफी करे अमलन यानी हज का असर हो ज़िंदगी पर तब हज मबरूर है हज उसको तकवा अता करे पिछले गुनाहों की तलाफी जैसे आदमी तोबा करता है और हकूक निबाद में फिर उन मजालम को दूर करता है तलाफी करता है ये जाके तोबा है तो उसके साथ वह हज मबरूर होता है फिर आगे हदीस है चैप्टर नंबर बाईस ले रहा हूं बात हज की आई है मगर तो वो जजा उस सईद के बाप के तहत लाए हैं और का भी तस्करा इसमें आया है बाब है बाबुल हज व नजूर अनिल मैय मरहूम कोई शख्स फौत हो गया उसकी तरफ से हज करना और उसकी तरफ से उसकी नजरों को पूरा करना वर्रजुल यह मरा और क्या कोई मर्द भी औरत की तरफ से कर सकता है यह औरत मर्द की तरफ से कर सकती है अगले ये अहान तो हदीस में है कि आक़ल की बारगाह में कबीला जहैना से एक औरत आई अनिबन अब्बास ने रजी रजील्ल तम्र आता मिन जुहैना जातीबी सल्लम आक़ल की बारगाह में आई फ़कालत इन उम्मी नज़रत अन तहज्ज फ़लम तहुज हत् मातत मेरी माँ ने नज़र मानी थी हज करने की और वो हज नहीं कर सकी उसकी डेथ हो गई आफ़ा हज अनहा क्या मैं अपनी वालदा मरूमा की तरफ़ से हज कर सकती हूँ यानी उस हज का सवाब उसको मिलेगा और वो उसकी नज़र पूरी हो जाएगी काला नाम हुज्जी अनहा हाँ उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ फिर आकल सलाम ने उसको रीजनिंग समझा दी अगर तुम्हारी माँ पर कोई कर्ज़ होता तो क्या तुम उसका कर्ज अदा करती कि नहीं और कर्ज़ अदा हो जाता उसने कहाँ हो जाता फरमा इस तरह अल्लाह का कर्ज़ भी अदा कर सकती इससे ईसार वाब का मसला भी निकल आया यह हज के लिए है इस तरह रोज़ों के लिए भी है दीगर सदकात के लिए भी है कि अगर कोई औलाद या कोई बात का आदमी दूसरे के लिए करता है तो अल्लाह पाक उसके अजर को उसकी नीयत के मुताबिक उसको पहुँचाता है हजरत अब्दुल्लबन अब्बास रजील्ला तब से ये तो था कि माँ फौत हो गई अब इस हदीस में है कि एक शख्स का वाल ज़िंदा है मगर बूढ़ा है ज़यीफ़ है कमज़ोर हो गया है सफ़र नहीं कर सकता ये कबीला हस अम से आई थी ख़ातून जहाँ आतम्रा आतन मिन खस अम आम हजतुलदा हजतुलदा के मौका पर आई अर्ज़ के यार सुल्ला मेरे वालिद पर हज का फरीज़ा आयद हो गया था और वो बहुत बुढ़ा और ज़ीफ़ है ला यस्त और ओ यस्त सफ़र नहीं कर सकता फहल यकदी अन हो अन हज अन हो क्या मैं उनकी तरफ से वह अदा कर सकता हूँ हज करूँ उनकी तरफ से काला नामा कर सकते हो तो इस तरह अगर किसी के वालदेन ज़यीफ़ हो गए हों ने तोफ़ीक दी हो तो अपने ज़ईफ़ वाले की तरफ़ से भी कर सकता है किसी और बीमार की तरफ से भी आज अदा कर सकता है इस तरह दीगर इबादत भी उनकी तरफ़ करके उनका सवाब अल्ला के तो अल्लाह पहुँचाता है यह हज के आ गए अब इसी बाब में आगे किताब व फ़दा अल्मीना चूँकि जब आप हज करते हैं यह उम्र करते हैं उसके बाद मदीना मुनवरा रोज़ रसूल की आकाम की ज़्यारत के लिए जाते हैं तो इमाम बुखारी भी उसी तरह हज के की किताब लाए हैं उमरा की किताब लाए हैं और हज और उम्रा के आकाम और हज के आकाम के अबवाब लाकर उसके बाद मुतसिल किताब फ़जायलमदीना के लाए हैं यानी हज और उम्र के बाब में दरअसल गोया मक्का मज़मा के फजाइल बयान हो गए अब फ़जायल मदीना लाए हैं उसके अंदर जो हदीस लाते हैं सब पहली इमाम बुारी पन अबी हरत रजील् तन रसूल सल्ल कल लिया अरिज मदीना तो इला जो रेहा आकर सलाम ने फरमाया बाकी और तमाम अदीस को सामने रख कर तो उसका खुलासा और इस हदीस का बयान ये है कि जैसे दुनिया से आहिस्ता आहस्ता कुफर छाता जाएगा तो फरमाया ईमान सुकड़ कर तेजी के साथ मदीना की तरफ आ जाएगा और पना लेगा ले ले जैसे सांप तेजी के साथ चलता है और फिसल फिसल के सुकड़कर कर अपनी जोहर में वो जो उसकी अपनी सुराख होती है उसमें पना लेता है इस तरह ईमान मदीना में पना लेगा यानी ईमान का मन पनागा गाह ईमान की मदीना होगी और इस से पाक का मैसेज ये है कि ईमान मदीना तैयबा से कभी ख़त्म नहीं होगा अब ये इहतसास मदीना को क्यों दिया इसलिए कि वहाँ आकाम खुद तशरीफ फरमाए आपने पसंद नहीं फरमाया कि जहां मैं आराम फरमा और मेरा घर है और मैं रहता हूं मेरे गिरदा में लोगों का ईमान उठ जाए और काफिर हो जाए बचा लिया है। जब जमीन पर कहीं ईमान नहीं बचेगा कुफर छा जाएगा तब भी शर्क से हर्ब तक दुनिया का ईमान सुकर सुखर के मदीना पाक में महफूज हो जाएगा तो ईमान की हिफाजत और पना मदीना में इसमें आकल इस्लाम के कुरब जवाहर की बरकत भी है और आकल इस्लाम की मोहब्बत की बरकत भी है जो लोग मदीना की तरफ दौड़ते हैं वो मोहब्बत रसूल में दौड़ते हैं तो इशारा इस अमर की तरफ भी है कि ईमान की पना गाह मोहब्बत रसूल में है पनाह ईमान की मोहब्बत रसूल में है जिस शख्स में जितनी मोहब्बत रसूल होगी हकी वह मोहब्बत रसूल के बायस मुताबत रसूल भी करेगा तो हुजूर हजूर की जो मोहब्बत और नस्बत है ये ईमान की पना गाह होगी ईमान को इसमें हिफाजत मिलेगी फिर इसके बाद दुआ मदीना मदीना के लिए दुआ करना अनस इबन मालिक, रजी रावी अब अभी तक बयान आया ना कि ईमान की हिफाजत मदीना में होगी क्यों होगी मैंने कहा एक आकलम की मुजावरत और एक आकल इस्लाम की मोहब्बत ये दो खास चीजें हैं जो मदीना के साथ जुड़ी हुई है अब उस मोहब्बत का जिक्र आगे आता है मदीना के लिए दुआ और वो क्या कि आका की अपनी मोहब्बत बेहद हिसाब मदीना के साथ थी तो जब आका की अपनी मोहब्बत मदीना के साथ बेपनाह थी तो वो कौन सा मोमिन है मुसलमान है जो सलाम से मोहब्बत करे और मदीना से मोहब्बत ना करे तो मदीना तयबा से मोहब्बत करना दरअसल मोहब्बत रसूल सल्लाम की आयनादार है अनानना सन रज़ी तन अन नबीम बिलमदीना जल तब मक्काबरा आकम ने दुआ की और दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह जो बरकत ए अल्लाह आपने मक्का में रखी है और मक्का की चीज़ों में रखी है और अहले मक्का के लिए रखी है मदीना की बरकत मक् की बरकत से दो गुना ज्यादा कर दे आकल सलाम का इंतखब है मैंने हमेशा कहा मोहब्बत की लिमिट नहीं होती मोहब्बत पर कैद और हद नहीं होती मोहब्बत की तो जिस शय से मोहब्बत है आकल सलाम ने फरमाया मक्का मुजमा की बरकत से दो गुना बरकत मदीना को दे दे और मदीना की चीजों को दे दे इसी तरह मोहब्बत भी दो गुना ज्यादा होनी चाहिए वहां अल्लाह का घर है या अल्लाह के महबूब आकाम है इसके साथ एक हदीस आगे और मिला देता हूं वो है इमाम बुखारी की किताब फ़जल्सलात फ़ी मस्जिद मक्त तवल मदीना मक्का की मस्जिद और मदीना की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फजीलत ये हदीस है और हदीस नंबर है ग्यारह सौ पचानवे और ग्यारह सौ छियानवे ये भी सही बुखारी अब किताब व फजल सलात ले ली फ़ी मस्जिद मक्ल मदीना अब मस्जिद हराम को जो काबातुल्ला की मस्जिद है उसको मस्जिद मक्का कहा है और मस्जिद नबवी को इमाम बुखारी ने अपने चैप्टर के किताब के उनवान में मस्जिद मदीना कहा है और उनवान कायम किए बाबल सलात फ़ी मस्जिद मक्त तवल मदीना मक्का की मस्जिद हर मस्जिद हराम में और मदीना की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की फजीलत ये चैप्टर है अब यह बड़ा एक ख़ास इसमें लतीफ़ नुकता भी आएगा ईमान अफरोज़ भी है लतीफ़ है और मैं जो कई नशस्तों में इमाम बुखारी का जो मिनहज है तखरीज हदीस का जो असूल हदीस है जो कायदा और कुलीजा है कि सिर्फ़ बुखारी की बात मानी जाए सही बुखारी में जो हदीस है उसको मानते हैं और अगर सही बुखारी में नहीं तो नहीं मानते मैंने हमेशा अर्ज़ किया बारह सौ साल में किसी मुहदस इमाम आलि हती कि हदीस के तले इम ने भी ये बात नहीं की बदकिसमती से जालत ला और बेखबरी इतनी बढ़ गई है कि आज के जमाने में एक फितना मुफ्त में पैदा हो गया है जिस फितने की न कोई जड़ है न बुनियाद है न इसके पीछे कोई असूल है सिरे से वजूद ही नहीं आलिम तो छोड़िए किसी इल्म ने भी जिंदगी में तारीख में यह बात नहीं कही थी जो हमारे दौर में लोग जोर दे के कहते हत है गुमराही का एक फितने का एक अजब जमाना है एक तो गुमराई वो है कि हम सिर्फ कुरान को मानते हदीस को मानते ही नहीं एक है वो तो कुफर हो गया और हदीस को मानने वाले ये कहें कि सिर्फ बुखारी को मानते हैं और जो बुखारी में नहीं नहीं मानते ये किसने आपको समझाया मैंने आपको कई नशिस्तों में इस चीज को वजाहत के साथ समझाया है आज मौजू तो यह है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने की फजीलत मगर इतफाक़न ये नुकता आज फिर आ जाएगा आखिरी नशिस्त है इसमें यह फिर नुकता आ जाएगा तो इमाम बुखारी ने जो बाप कायम किया है बाप में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी भी मस्जिद मक् मस्जिद मदीना दोनों लिखे हैं उनकी फजीलत उसके बाद आगे हदीस लाए हैं उसके अंदर फरमाते हैं आकलम ने फरमाया हज़रत अबू हुर रजी अल्लाह रावी हैं फरमाए अन नबी सलात फ़ी मस्जिद हाजा खैरुम अलफी सलातन फ़ी मा सिवाह मस्जिद अलहराम अब हदीस यह है आकर ने फरमाया मेरी इस मस्जिद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना मस्जिद हराम को छोड़कर दुनिया की तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ने से हजार गुना उसका अजर ज्यादा है फरमाया मेरी मस्जिद नबी में एक नमाज का अजर हजार नमाजों के बराबर है किसी भी मस्जिद में पढ़ी गई नमाज के मुकाबले में सिवाय मस्जिद हराम के यह हदीस लाए हैं अब लुत्फ की बात यह है बाब कायम किया था मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी दोनों की फजीलत का उसमें नमाज पढ़ने का और इमाम बुखारी हदीस सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का अजर हजार गुना ज्यादा है सिवाय मस्जिद हराम के बस हदीस ये लाए हैं मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है इमाम बुखारी इसकी कोई हदीस नहीं लाए मैंने आपको अर्ज किया इतफाकान ये कायदा आ गया इतफाकान फिर वही बात बदल बदल के मैं ये बात ताकि आप जे नशीन कर लें ये कभी भूल कर ना सोचें जिन्होंने इन दुरूस और हलकात को सुना है उनकी गिरा खुल जानी चाहिए यह सोचना यह जहालत है यह दलालत है है कि हदीस अगर बुखारी में आई है तो मानते हैं जो बुखारी में है उसको मानते हैं जो बुखारी में नहीं, नहीं मानते अगर इस पर आप मदार कर लेंगे अपनी अकीदा और अमल का तो फिर ये जो हमारा अकीदा है और अमल है कि मस्जिद हराम में काबतुल्ला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का अजर एक लाख नमाज के बराबर है और मस्जिद नबी में नमाज का अजर हज़ार नमाज के बराबर है गोया मस्जिद नबी की नमाज से भी सौ गुना ज्यादा अजर काबतुल्ला की मस्जिद हराम की नमाज का है यह जो अकीदा और अमल है कहाँ से लाएंगे ये बुखारी शरीफ में है ही नहीं इमाम बुखारी ये हदीस ही नहीं लाए भैया तो मस्जिद नबवी की भी ना लाते तो जहाँ से लेनी है दोनों फजीलतें वहाँ से ले लेते तो इमाम बुखारी मस्जिद नबवी की एक हज़ार नमाज़ों की फजीलत की हदीस लाए हैं बाब कायम किया है दोनों मस्जिदों का मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी फजीलत बयान की है सिर्फ मस्जिद नबवी की और मस्जिद हराम के लिए हदीस ही को नहीं लाए कि उसकी फजीलत कितनी होगी कुछ पता नहीं कि मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने की फजीलत हज़ार नमाज के है सौ नमाज की है दस हज़ार की है लाख नमाज की है इमाम बुखारी कोई बयान नहीं करते तो फिर कहां से लाएंगे ये इंपॉर्टेंट बात कहां से लाएंगे लिहाजा ये सोच नहीं होनी चाहिए अब अगली बात ये तो न सिर्फ इमाम बुखारी की बात है न सिर्फ इमाम बुखारी की यानी इमाम मुस्लिम भी कोई एक हदीस अपनी पूरी सही मुस्लिम में सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम भी कोई एक हदीस मस्जिद हराम की नमाज का अजर एक लाख बार है या दस हजार बार है कोई हदीस इमाम मुस्लिम भी नहीं लाए उन्होंने भी बाब कायम किया सुन लें सही मुस्लिम बाब नंबर चौरानवे नाइनटी फोर ग़ौर से सुने बाब बाबल सलाद बे मस्जिदई मक्का तवल मदीना मक्का और मदीना की दोनों मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की फजीलत बाब दोनों ने ये कायम किया है इमाम बुखारी ने भी इमाम मुस्लिम ने भी और इमाम मुस्लिम काफ़ी सारी हदीस लाए हैं मगर सारे बाप में जितनी आदीस लाए हैं सारी की सारी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का अजर हजार नमाज के बराबर है सिवाय मस्जिद हराम के यही लाए हैं मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का आजर कितना है इमाम मुस्लिम भी नहीं लाए तो आप तो करते थे सिर्फ बुखारी को मानते हैं एक आगे चले जाए बुखारी और मुस्लिम को जमा कर ले उन दोनों में नहीं है मस्जिद हराम कि अंदर नमाज़ पढ़ने की फजीलत कितनी है तो क्या इस वजह से अपना अकीदा और अमन हम छोड़ देंगे ये मानना छोड़ देंगे कि मस्जिद हराम में काबतुल्लह की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का जो एक लाख नमाज का है वो हक़ है वो दुरुस्त है मगर ना बुखारी में है ना मुस्लिम में और इसके बाद आगे चलें यानी सही मुस्लिम के अल्फाज भी यही है मैं दोबारा वक्त की किल्लत की वजह से पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं वो दोहरा देता हूँ सही मुस्लिम की भी एक हदीस पहली तो एग्जैक्टली वही है जो सही बुखारी में है और दूसरी है सलातन फ़ी मस्जिद हाजा खैन अल्फ़ सलातिन फ़ी गैर ही मिनल मसाजिद इलमस्जिद हराम मेरी मस्जिद नबवी में नमाज़ का अजर हज़ार नमाज के बराबर है तमाम मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में सिवाय मस्जिद हराम के बस यही जितनी हजीसें लाए हैं इमाम मुस्लिम भी इसी मजमून की सिवाय मस्जिद हराम के सब मसाजिद के मुकाबले में मेरी मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने का जर हज़ार नमाजों का है अब आप आगे चलिए तो गोया मस्जिद हराम की फजीलत का जो मिकदार है ना वो बुखारी में है ना मुस्लिम में आगे चलिए अब दाऊद में भी नहीं है तिरमज़ी में भी नहीं है नसाई में भी नहीं है सियासत में ये पाँच किताबें हैं जिनको उसूल खमसा कहते हैं ओसूल खमसा इन ओसूल खमसा में किसी में नहीं है एक बुखारी शरीफ को तो छोड़ दें पाँचों में नहीं है तो इसका मतलब क्या है इस तरह की कैदें बनाना और शर्तें बनाना कि सिर्फ बुखारी में हो सिर्फ़ बुखारी मुस्लिम में हो फ़लां किताब में हो तो उसको हम मानें उसमें नहीं है उसको नहीं मानते तो कितना अपने अकायद और अमाल की कितनी चीज़ें उठा के बाद हम फेंक देंगे ये तस्वुर ग़लत है जिन्होंने ये नशितें सुनी हैं वो अपनी असलाह कर लें हदीस हदीस नबवी है अगर उसका इसनाद सही है भले वो किसी किताब में है उसको लेना उसी तरह सही है और उसी तरह अला है जिस तरह सही बुखारी से ले लेना या सही मुस्लिम से ले लेना का नाद सही है अब सवाल हुआ आपके जहन में कि फिर ये जो मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का अजर एक लाख नमाज के बराबर हम सुनते हैं और हम मानते हैं तो फिर ये किस हदीस में है कहाँ आया है वो सुन लीजिए ये जो एक लाख नमाज का जो अजर आया है मस्जिद हराम में वो आया है मुस्रत अहमद बिन हम्बल में और सियासत में से सिर्फ इबन माजा में सुनन इबन माजा में मुसनद अहमद में हम्बल में मुसनद बाजार में मोजम तबरानी में सही अबन हिब्बान में और इमाम बहकी की शो ईमान में इन किताबों में वो हदीस आई है जो खाना काबा मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ने का अजर एक लाख नमाज के बराबर या मस्जिद नबवी की नमाज से सौ गुना ज़्यादा बयान करती हैं ये हदीस इन किताबों में आई है बुखारी मुस्लिम अबूदाऊ तिरमजी नसाई पाँचों में नहीं है और इन सब में जो हदीस है फजीलत की वो फ़कत मस्जिद नबी का हज़ार गुनाज रहे अब अगर बाकी हदीस की कुतुब को कमज़ोर समझ लिया जाए तो आप कितने अकायद जो हैं उसके दरवाजे बंद कर लेंगे कितने आकाम, कितने फजाइल कितने अमाल छोड़ देंगे तो इस तरह आप टुकड़े कर देते हैं दीन का यह तस्वीर ही नहीं है लिहाजा जेन को खोल लेना चाहिए अब्दुल्ल ने जुबैर से मरवी है आकर इस्लाम ने फरमाया और वो हदीस जो मैं बता रहा हूँ अब वो हदीस मुसन अहमद बिन हम्बल की है अब बिन हुमैद की है मुसनत बाजार की है तबरानी की है बेहकी की है इबन माजा की है वो पढ़ रहा हूँ फरमाया मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना तमाम मसाजिद में पढ़ी गई नमाज के मुकाबले में एक हज़ार गुना उसका अजर ज़्यादा है सिवाय मस्जिद हराम के और अगर मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ी जाए तो मेरी मस्जिद की नमाज़ से सौ गुना उसका अजर ज़्यादा है तो जब सौ को हज़ार से ज़रब देंगे तो एक लाख नमाज का बन जाएगा और इस तरह ऐसी रिवायात भी हैं इन्हीं कुतुब में कि उसका जिक्र फरमाया कि तमाम मसाजद के मुकाबले में मजमू तौर पर लाख गुना है मस्जिद नबवी के मुकाबले में सौ गुना ज़्यादा बाकी मसाजिद के मुकाबले में एक लाख गुना मगर ये उन कुतुब में है और आगे ये भी सुन लीजिए एक और असूल हदीस ये जो हदीस है मस्जिद हराम की नमाज एक लाख गुना उसका अजर है ये अपनी संद में हसन है मस्जिद नबवी में नमाज का अजर एक हज़ार गुना है ज़्यादा यह हदीस सही है बुखारी की सही है और मुस्लिम की सही है और अबू उदाऊ तिरमजी नसाई उनकी सही है मगर ये जो हदीस एक लाख नमाजें नमाजों का अजर मस्जिद हराम का ये हदीस कलियतन बत तमाम शरात के साथ सही भी नहीं ये उससे एक दर्जा कम हदीस हसन है जयफ़ से ऊँची और सही से कम दर्जा हदीस हसन और बाद मुहदसिन ने यह भी लिखा है कि इसकी इलल पर गुफ्तगु करके फरमाया इसको दर्ज सेहत में तस्लीम करने में भी कोई हर्ज नहीं यानी इसके शवाहद ऐसे हैं कि इसको सही भी माना जा सकता है जायज़ है मगर अगर कवायद के मुताबिक जाएं तो हदीस हसन है और इसनाद हसन की हदीस भी कबूल होती है जैसे सही की फजायल अमाल में तो ज़यीफ भी कबूल होती है तो ये मैंने आपको असूल बताया कि किस तरह इमाम बुखारी लेते हैं वो यानी अब इमाम बुखारी का अपना क़ीदा भी है लाख नमाज़ों का अजर है मस्जिद हराम में मगर सही बुखारी में चूंकि कोई हदीस जो उनकी शरात हैं सही सहित की उस पर पूरी नहीं उतरती थी उन्होंने नहीं ली इमाम मुस्लिम ने नहीं ली उल हमसा वालों ने नहीं ली बाकी कुतुब की शराय पर हसन है ले ली इन्होंने हसन दर्जे की हदीस को लिया नहीं सही को लिया सिर्फ लिहाजा इधर से रह गई बाकी कुतुब ने ले ली ये है जिस तरह ख़ायर अदीस से इल्म मिलता है इसी तरह चूँकि बात चल पड़ी एक मिसाल और दे देता हूं एक ये एक याद रख लें आप में से हर एक ने सुन रखा है और ये हमारा अकीदा है और हम में से हर शख्स मानता है कि कब्र में तीन सवाल होंगे पूछा जाएगा मर रबों का तुम्हारा रब कौन है माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है और माँ कुंत तकूरफिहाजा रजुल मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम इस हस्ती के बारे में तुम क्या कहा करते थे तुम्हारा अकैदा क्या था इनकी शान में क्या ख्याल रखते थे ये कौन है तो मर रबो का मा दिनों का मन नबी युख यानी तीन सवाल होंगे हर कोई मानता है अब सुन लें मैं फिर वो नुकता समझा रहा हूँ। ये ख्याल छोड़ दें कि जो सही बुखारी में नहीं नहीं मानते अगर इस तरह करना हो तो ये तीन सवाल ये सही बुखारी में कहीं नहीं आए पूरी सही और बुखारी में किसी हदीस में कब्र के इन तीन सवाल का जिक्र नहीं है सही बुखारी ने कई जगह हदीस बयान की है उसमें सिर्फ़ एक ही सवाल है और वह सलाम की शान से मतलक माँ कुंत हुजूर रजुलदिन सलाम की ज़्यारत कराई जाएगी और दिखा के फरिश्ते पूछेंगे इस हस्ती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या था इनकी शान में क्या कहा करते थे इनके हक में सिर्फ़ आका सलाम का पूछा जाएगा ना मर मरबों का आया है सही बुखारी में ना मादीनों का आया है अगर सही बुखारी पर खाली इहिसार कर लें और बाकियों का इनकार करें तो कब्र के तीन सवालों का अकीदा भी गया कहां से लेके सही बुखारी में तो यह सवाल आया ही नहीं है कि पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा दीन क्या है आगे चलिए और यह फिर किताबुल जनायज में भी इमाम बुखारी यह हदीस लाए हैं बाबो माजाफी अजाबलकब्र में लाए हैं बाप अलमैत यसम वफफ अन आल के मैय दफना के जाने वालों के जूतों की आहट और आवाज़ भी सुनता है मैत इमाम बुखारी ने बाप कायम किया है जब दफना के लोग पलटते हैं तो पलटते हुए उनके जूतों की आहट और आवाज़ भी सुन रहा होता है जब फरिश्ते आ जाते हैं सवाल करने वाले उस बाप में भी लाए हैं इमाम बुखारी किताबुल वजू में भी लाए है। किताब हैं किताबुल है। 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 तो जुमा में भी लाए हैं किताबुल अहतसाम में लाए हैं फिर इमाम मुस्लिम कई जगहों पर लाए हैं मगर हर जगह बुखारी में भी और मुस्लिम में भी एक ही सवाल हुजूर सलाम की शान के बारे में पूछा जाने वाला अल्लाह और दीन के बारे में सवाल ये नहीं लाए फिर सवाल पैदा हुआ कि फिर ये कहां से साबित हुआ है वही तो समझाना चाहता हूं मुसनत अहमद बिन हम्बल की हदीस में है और सुन अबी दाऊद की हदीस में है पूछा जाएगा या हाजा मर रबुक वमा दीनुक व मन ये मुसनत अहमद बिन हम्बल में आई है और सुन अबी दाऊद में आई है तो अगर इक्तफा कर दिया जाए सिर्फ़ एक किताब पर सही बुखारी पर या बुखारी और मुस्लिम पर और बाकी अदीस की कुतुब का दर्जा घटा दिया जाए तो हमारे अकायद और अमाल में बचता कुछ नहीं बहुत कलील हिस्सा बच जाता है हर चीज़ से हाथ धो बैठते हैं ये असूल अल्लाह बेहतर जाने कहाँ से घुस गया है बाद लोगों ने ऐसे ही अपने शायद नुक़ नज़र को इस्टेब्लिश करने के लिए बिलावजा नाजायज़ ज़ोर दे दिए और लोगों ने इसको पकड़ लिया कबूल कर लिया सो तो इन नशस्तों का कम से कम एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि लोग इस मुगालते से निकल आएँगे और उन्हें सूझबूझ आ जाएगी कि हदीस को कबूल करने, करने के कवायद क्या हैं उूल क्या हैं और तखरीज के असूल क्या हैं और इमाम बखारी का कायदा क्या है फिर आगे इस हदीस के साथ फिर आगे हदीस है बाब व फजल मस्जिद मक् मदीना ये जो किताब वही है मस्जिद मदीना की और मदीना की मसाजिद में नमाज़ की फजीलत तो मक् के हवाले से तो सिर्फ मस्जिद हराम थी लुत्फ़ की बात यह है बाप था मक्का और मदीना की जो मस्जिदें उनकी फजीलत की तो मक्का की मस्जिद हराम थी और उसी की फजीलत के मकदार क्या है उसकी भी हदीस नहीं आई और बाकी सारी मसाजद मदीना पा की बयान कर दी मस्जिद नबी की फजीलत की आ गई मस्जिद कुबा की आगे आ गई है और फिर आगे एक बाब कायम किया है नंबर फाइव बाबल माबे अलकब्र वंबर सुन लें किताब है किताबल सलात फी मस्जिद मक्का वाल मदीना यह किताब है इमाम बुखारी ने जो कायम की है और यह किताब किताबहज के बाद अगली किताब है किताब का नंबर है ट्वेंटी बीस उसके अंदर बाब कायम किया है पांच चैप्टर नंबर फाइव गौर से सुने यानी मैं कई बार कह चुका हूँ कि इमाम बुखारी फना है इश्क रसूल में और अदब रसूल में और नस्बत रसूल में यही वजह है कि इमाम बुखारी ने सोलह साल में सही बुखारी मुकम्मल की मगर जो इसके तराजम थे उन सारों को रिवाइज करते करते मुकम्मल किया खुद फरमाते इमाम बुखारी मैंने हजूराम की कब्रवर रोज़ रसूल के सये में बैठ के मुकम्मल किया रियाज का लफ्ज़ नहीं बोला वो रियाजुल जन्ना है जहाँ बैठते थे मगर खबर रसूल कहा आकाल आकाम की खबर अनवर के नीचे चांद रातों में मैंने इनके मुकम्मल किए नस्बत तराजम्ब्बाप की, की हजूर के मज़ार अकदस की तरफ की है कि रियाजुल जन्ना हो या कोई और जगह सबको बरकतें तो हजूर की बारगाह से खैरत मिली हैं खैरत तो वहीं से मिली है चश्माए खैरात वह है अब वो हदीस यहां लाए हैं चैप्टर फाइव और उनमान है कि जो हजूल की अनवर और मुंबर मुबारक के दरमियान का हिस्सा उसकी फजीलत फिर गौर से सुने चैप्टर कायम का किया हैजूल की गबर, कबर मुबारक और मिंबर मुबारक उसके दरमियान के हिस्से की फजीलत तो चैप्टर में कब्र अनवर का नाम लिखा है बैत घर का नहीं लिखा हदीस लाए हैं घर के नाम से अब्दुल्ला बिन जैदाजी रजील्लायत करते हैं अनुमाल माँ बई न बैती व मम्बरी रऊद तुम रियाजल जन्ना जो हिस्सा मेरे घर और मेरे मम्बर के दरमियान है ये जन्नत के बागात में से बड़ा आला बाग है मेरे घर और मेरे मम्बर के दरमियान का पूरा हिस्सा ये रऊद तुम मेरे आदिल जन्ना इस वजह से उस हिस्से मस्जिद को रियाज और जन्ना कहते हैं आकाम ने उसको जन्नत का हिस्सा करार दे दिया यह तो माना है कि जो वहाँ नमाज पढ़े वो सीधा वो वहां नमाज पढ़ना बाएं से जन्नत है या ये दूसरा माना है कि वहां नमाज पढ़ना इस तरह है जैसे जन्नत में पढ़ी वो जन्नत का दर्जा मिल गया उसकी नमाज को जन्नत में पढ़ने का और तीसरा यह है कि यह जन्नत का टुकड़ा है असल जो यहां रखा गया था बागात जन्नत में से एक बाग और चौथा माना यह है कि जब सारी जमीन फना हो जाएगी कुछ नहीं बचेगा तो सलाम का घर कब्र अनवर रोजा रसूल और यह जो जगह है रियाजुल उजन्ना यह फना नहीं होगी क्यामत की आमद पर भी यह टुकड़ा फना नहीं होगा और यह टुकड़ा उसी तरह उठाकर जन्नत का टुकड़ा जमीन पर आया था वापस जन्नत में रख दिया जाएगा इस टुकड़े की हमेशा बका रहेगी इस पर फना नहीं आएगी इसलिए इसको एन जन्नत का टुकड़ा कहा फरमाया मेरे घर और मम्बर के दरमियान जन्नत के बागों में से बाघ है आकल इसम ने फरमाया अबू हर जी तु से मरवी है कि मेरे घर और मेरे मम्बर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागात में से बाग है वह मंबरी अलाउदी और मेरा जो मम्बर है वह हौज कौसर के ऊपर है जो मेरा मम्बर है हौज कौसर के ऊपर है और इसका माना मुहदसी ने यह भी बयान किया कि जब क़ियामत का दिन होगा इसी मम्बर को उठाकर हौज कौसर के पास रख दिया जाएगा इस्लाम जब हौज़ कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे उम्मत को वेलकम करने और उन्हें हौज़ कौसर के प्याला प्यालाने के लिए तो इस मंबर को ये आपकी नशस्त होगी इसी पर बैठेंगे जो आज रियाजल में है वही क़्यामत के दिन इस पर तशरीफ़ फरमा होंगे और अपनी उम्म के लिए करम नवाजियाँ फरमाएँगे ये रियाजल जन्ना का इसा बयान फरमाया कि ये जन्नत के बागात में से बाग है मिंबर। तो हमने चंद एक अदीस यानी मुख्तलिफ कुतुब से और मुख्तलिफ अबवाब से ले के अलहदुल्ल उनको पढ़ा उनका सबक पढ़ा और पढ़ाया उनका दर्स दिया और समा किया और जो कुछ अहकाम अकायद फवाद आदाब उसमें से अक्स हो सकते थे इस मुख्तसर वक्त में वो आप तक रखे ये एक समंदर है एक ऐसा ओशन है अदीस नबवी का इल्म जिसका कोई किनारा इब्तः और इंतहा नहीं है और जब से दुनिया की तारीख शुरू हुई है और इल्मुल हदीस पर काम शुरू हुआ है तब से अम्मा और इसके मताले इसके मानी इसके मारफ इससे आदाब अहकाम अकायद चीज़ें अखज़ कर करके उम्मत तक पहुँचा रहे हैं पहुँचाते रहेंगे क़्यामत तक हर एक को अल्लाह जितना हिस्सा और नसीब अता करेगा वो अपने नसीब के बदर उम्मत तक पहुँचाता रहेगा मगर इस इल्म का ख़ात्मा नहीं क्योंकि ये इल्म अल्लाह की वही पर मबनी है वही अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है लफजन भी और मानन भी सो तो जिस तरह उस कलाम की कोई हद नहीं है इस तरह उसके मानी और मफाहिम और मारिफ की हद नहीं इसी तरह हदीस नबवी भी अल्लाह का कलाम है अल्फाज आकाल सलाम के हैं और उसके मानी माना मफहम और मुराद अल्लाह की तरफ़ से वही करता है तो उसके भी कोई हद नहीं है इससे इल्म के चश्मे दरिया समंदर निकलते रहेंगे देखना ये है कि हम कितनी रगबत पैदा करते हैं इससे कितनी मोहब्बत पैदा करते हैं हदीस नबवी से सुन्नत नबवी से किसी शख्स को क़ुरान मजीद का दर्क हासिल नहीं हो सकता हदीस के दर के बगैर याद रख ले कुरान हदीस को नहीं समझाता कुरान हदीस की वजाहत नहीं करता कुरान हदीस की तफसील नहीं देता ये हदीस नबवी है जो कुरान को समझाती है जो कुरान का फहम देती है जो कुरान की मारिफत में इजाफा करती है जो कुरान की वजाहत करती है उसके आकाम की और उसकी तफसील बयान करती है तो मोहताज है कुरान का समझना हमारा मोहताज है हदीस नबवी का समझना, जिंदगी मोहताज है जिंदगी का सुनत नबवी का मोहताज है मैंने चालीस दिन आज उनतालीस दिन हुए और कल की नशित में हम इनशा ती बुखारी की साथूम को इतना वक्त नहीं मिल सका इब्तदान मैंने सोचा था मगर अमला मुमकिन नहीं रहा जब एक घंटा या कम वेश दौरानिया होता था तो उसमें उस दिन की पढ़ी गई अदीस इतनी होती थी फिर उनकी शरह उनके मफाहिम को बयान करना मानी को मतालब को मारफ को बयान करना और उससे तरबीयत के पहलुओं को लेना अहवाल की असलाह के पहलुओं को लेना आदाब ज़िंदगी की तस्ह के पहलुओं को लेना तहजीब अखलाक को उसमें से लेना और तजिकिया नफूस के पहलुओं को लेना ईमान के पहलुओं को लेना अखलाक़ की तहजीब के पहलुओं को लेना सोसाइटी के समाजी रवैयों की तहजीब और तरबियत के पहलुओं को लेना निजी इज्तमाही ज़िंदगी के हमारे मामलत की असलाह करना बहुत से पहलू होते थे वक्त महदूद होता था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ इमाम गजाली रजील्ला तुके यालूम में से मैंने बद्र ज़रूरत या बद्रमकान लिया जिक्र करता रहा कुछ ना कुछ उसे पढ़ा और सुनाया तामसबादा कल इन शाह तजाज़त होगी सही और बुखारी की पूरी सनत के साथ इजाज़त होगी और इमाम गज़ाली की याद की भी सनत के साथ इजाज़त होगी खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने पूरे इस अरसे में अल्तज़ाम और अहतमाम के साथ बाकायदगी के साथ इन हलक़ात में शिरकत की और इसकी बरक़ात हासिल की अल्लाह रबुलाज़त कुरान मजीद और हदीसनत नबी के नूर से और अनोर तजल्यात से और बरक़ात से हमारी जिंदगी को रोशन कर दे मुनवर कर दे हमारे जाहिर की भी इसलाह फरमा दे और बातिन की भी कल इन शाह तिलमुशाफा आपसे मुलाकात होगी जिसमें सनद पढ़ के मैं आपको इजाज़त दूँगा और ख़त्म बुख़ारी शरीफ भी होगा इन शामक वरह लबरक सबसे पहले नई वीडियोज़ को हासिल करने के लिए शेख उम डर मोहम्मद ताहरूक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें